ड्रैग रेस हो जाएगा पार। निकलो भाई। ओहो बंदा क्या कट मार रहा है भाई साहब। ये कौन है? चेन फट गया। आहा देख रहे हो गाइस यहां पर नुकसान हो गया अंकल का। वैसे अंकल कहाँ से हो आप? अच्छा अच्छा, तो अभी तुम लोग को मतलब दुकान में जगह ठीक करना पड़ेगा। हाँ सही, आपकी वजह से वैसे नीचे तक जा सकते। मिडिल पे चला रहे बंदा, मतलब आ जाओ सामने आ जाओ, स्पीड चेक करेंगे ठीक है। तो डेविल और स्पाइडर जो है मतलब बाइक के इधर आ, थोड़ी देर में 50 स्पीड आराम से पकड़ लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस हर एक दिन की तरह चलो आज भी चलते हैं एक मस्त ब्लॉग बनाने के लिए। और आज का ब्लॉग पे एक्चुअली एमके भाई का जो सस्पेंशन है उसको हम लोग ठीक करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का एक छोटा सा ट्रिप हो जाए और ट्रिप का भी प्लानिंग चल रहा है। और प्लानिंग जब फाइनल हो जाएगा तुम लोगों को बता दूंगा। और अभी मैं वो बाजार से, तो चलो बाजार को पार करते हैं। निकलो भाई। ओहो बंदा क्या कट मार रहा है भाई साहब। फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं ब्रदर को क्रॉस करके और अभी चलेंगे सीधा सामने। और हम लोग को मोनू भी जाना पड़ेगा क्योंकि हम के कहा सस्पेंशन को थोड़ा बहुत ठीक तो करने पड़ेगा छोटा सा ट्रिप मारने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं सामने। ड्रैग रेस हो जाएगा पार। चल निकल निकल। हाँ भाई ड्रैग रेस पे हार गया बंदा। कहाँ पर लिखा है कि मेरा दिन है आज? तेरा गियर शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो तू ही आगे चला जाता। और वैसे यार जिसको सीरियस मत लो, ये एक्चुअली हम लोग मजे के लिए करते हैं। पता नहीं है कौन है वो तेरे है, देखते आजा। चेन फट गया। आहा देख रहे हो गाइस यहां पर नुकसान हो गया अंकल का। वैसे अंकल कहाँ से हो आप? अच्छा अच्छा, इसको तो अभी तुम लोग को मतलब दुकान में जगह ठीक करना पड़ेगा। हाँ सही, आपकी वजह से वैसे नीचे तक जा सकते। तो वैसे अंकल का बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गया, पर मेरे को बुरा लग रहा है। ये देखो फुल्ली डाउन है तो मजा भी आ रहा है। और एक बात गाइस, अंकल का जो नुकसान हो गया चेन फट गया ना, हम लोग के पास कुछ हथियार भी नहीं है कि ठीक कर दो। अभी हम लोग अगर ट्रिप में निकलते तो सब कुछ लेकर ही निकलते हैं, पर अभी तो बस ऐसे नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम लोग के पास कुछ चीज़ें भी नहीं है साथ में, नहीं तो ठीक कर देता अंकल का चेन। और अंकल को अभी धुआं धरा भी जाना है, पता नहीं कैसे जाएगा। सामने तो दुकान है, अगर खुला होगा तो हो जाएगा ठीक, इसके बाद ही चला जाएगा। और हम लोग भी सीधा चलेंगे अभी मोनू पे, यहाँ पर रोकेंगे वोकेंगे नहीं क्योंकि ब्लॉग छोटा सा होगा पर मजेदार सा होने वाला है। तो चलो भाई सीधा चलते हैं। मिडिल पे चला रहे बंदा, मतलब कुछ भी किसी गाड़ी आकर टक्कर दे देगा ना तब समझ में आ जाएगा। पीछे से पता नहीं कौन बोल रहे, राइडर राइडर। एमके को देखने के बाद तो एमटीबी राइडर ही बोलेगा भाई साहब। कैसे हो? ठीक है। रुक रुक रुक। हाँ बोलो। तुम्हारा जूता या मतलब छूट गया? हाँ हाँ छूट गया था। ठीक है चलता हूँ, बाद में होगा। मतलब भाई ये छोटा सा फैमिली का प्यार है यार, ये इसको ही बोलते हैं प्यार भाई साहब। मतलब जिस तरह भी जाते हैं मिल ही जाते हैं। हाँ मिल ही जाते हैं। और गाइस वैसे हम लोग एक ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हाँ जब कंफर्म होगा ना तभी बता देंगे। ट्रिप नहीं होता तो वैसे सस्पेंशन भी ठीक नहीं होता वैसे। हाँ वही बात। ट्रिप के वजह से ही ठीक हो रहा है। हम इतना सारा टूर दे रहे हैं तो समझ सकते हो आप लोग। और एक बात गाइस, ट्रिप जो है कुमारगढ़ की साइड ही होने वाला है। तो कुमारगढ़ से अगर कोई बंदा हम लोग का ब्लॉग देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे जाकर मैसेज कर सकते हो। एक साथ राइड पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे ये काल के ब्लॉग पे तुम लोग को समझ में आ जाएगा, है ना एमके भाई? हाँ। तो चलो अभी सीधा चलते हैं। आ जाओ सामने आ जाओ, स्पीड चेक करेंगे ठीक है। चलो आ जाओ, कितने हैं? 30। चलो अभी कितने हैं? और अभी ओ भाई साहब 42 पकड़ लिया, 42 पकड़ लिया था भाई साहब। ये देखो अभी सीओ 50 के लगभग है स्पीड। कितना गया था स्पीड? 50 चला गया था, मैं भी बोल रहा था ब्लॉक पे।
कि 50 तो होगा, मैंने 42 लिया था और तूने 50। बढ़िया बढ़िया। देखा गाइस हम लोग का डेविल और स्पाइडर जो है मतलब बाइक की इधर आ थोड़ी देर में 50 स्पीड आराम से पकड़ लेते हैं। और जब ज़्यादा है हाँ हम लोग आ चुके हैं बात करते करते और मस्ती करते करते मोनू पे दाई तरफ जाना। और आज लिन फिन नहीं हुआ भाई, गड्डी था ज़्यादा। और चलो अभी चलेंगे दुकान पे, जाने के बाद सस्पेंशन को भी ठीक करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं दुकान पे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और ये चेक कर सकते हो इधर का दुकान का व्यू। और बंदा भी इसको ठीक करने वाला है, तो चलो देखते हैं। तो गाइस तुम लोग ने देख लिया आज का ब्लॉक, मतलब फुल्ली नुकसान हो रखे है, मतलब कि भाई का जो सस्पेंशन है वो तो पूरा ख़राब हो चुका है। और हम लोग का जो ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं छोटा मोटा सा, वो भी नहीं होगा अगर सस्पेंशन ठीक नहीं हुआ। तो आज जो गए थे वहाँ पर मालिक नहीं थे, तो हम लोग को मतलब इतना ज़्यादा वेट करवाया किया ही बताऊँ। और ये अभी चेक करो पूरा अंदर हो रखा है अभी पूरा, मतलब रात भी हो चुके, रात के 8 बज रहे गाइस अभी। और क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, देखते हैं कल अगर ठीक हो जाए तो प्लानिंग व्लानिंग करेंगे ट्रिप मारने के लिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगले एक मस्त ब्लॉग लेकर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।